अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हो गया। ऑक्शन से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिया अचानक बड़ा ऐलान। इन दो कारणों के चलते छोड़ देंगे धोनी चेन्नई सुपर किंग्स का साथ। इस फैसले से सदमे में चेन्नई के मालिक। आई है मुंबई के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। धोनी बन सकते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। खुद नीता अंबानी अब उन्हें खरीद कर बनाएंगी मुंबई का कप्तान। तो आखिरकार किस टीम से खेलते हुए नजर आएंगे माही? कितने करोड़ रुपए लुटा सकती है नीता को खरीदने के लिए? ये सब कुछ तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी को मुंबई इंडियंस में शामिल होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट के जरूर बताइएगा। दोस्तों, दरअसल 2024 के शुरू होने से पहले ही एक खिलाड़ी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी थी और वो खिलाड़ी थे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। यहां तक कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 5 बार चैंपियन भी बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, जब से ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया है तब से उस टीम में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। टीम के मुताबिक खिलाड़ी भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अब यहां तक कि ऋतुराज गायकवाड़ भी अब नई नवेली कप्तान है, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन पिछले सीजन में बेहद ही खराब रहा और यहां तक कि टीम ने प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने चेन्नई को 5 बार चैंपियन बनाया, लेकिन उसके बावजूद धोनी पर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द संन्यास लें। और भी दो कारणों की वजह से महेंद्र सिंह धोनी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को छोड़ने का सबसे पहला बड़ा कारण जो है वो दोस्तों ये है कि महेंद्र सिंह धोनी और उनके नए नवेले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। वो तो सबने 2024 के आईपीएल में देख ही लिया था। ऋतुराज गायकवाड़ अपने मन से ही कप्तानी करते थे, धोनी से कोई भी राय नहीं लेते थे, जिस वजह से टीम की हालत बेहद खराब। तो लेकिन दूसरा कारण ये है कि उन्होंने मन बना लिया है इस सीजन अपना नाम ऑक्शन में लाने का और किसी नई टीम के साथ खेलने का अनुभव करना चाहते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी के लिए फेयर प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो ऑक्शन में चले जाते हैं तो इजीली 200 से 300 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। पर दोस्तों, ऑक्शन में जाने के लिए यहां पर उनको पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम छोड़नी पड़ेगी। तो इन दो कारणों से वो चेन्नई सुपर किंग्स टीम छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो चेन्नई टीम छोड़ते हैं, उनके पीछे 7-8 टीमें बिल्कुल भागने को तैयार हैं। अब ऐसे में दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी पिछले सीजन में ही चेन्नई सुपर किंग्स से काफी नाराज दिख रहे थे क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल भी कप्तानी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण चेन्नई का बुरा हाल हुआ पड़ा था। इसलिए धोनी ने इस सीजन पूरा मन बना लिया है अपना नाम ऑक्शन में ले जाने के लिए, जिसका जाना लगभग कन्फर्म हो चुका है। तो यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के लिए सभी टीम पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठी है। कई टीमों को कैप्टन चाहिए, कई टीमों को खतरनाक बल्लेबाज चाहिए। और यहां पर दोस्तों, इन टीमों में केकेआर की टीम हो गई, राजस्थान की टीम हो गई, उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स हो गई और फिर दोस्तों गुजरात टाइटंस हो गई। आरसीबी खुद यहां पर दोस्तों इंतजार कर रही है किसी एक अच्छे खिलाड़ी का। इसके अलावा यहां पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स टीम भी नजर आ रही है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो और भी कई टीमें हैं यहां पर दोस्तों इनके पीछे जाने को जो तैयार हैं। वहीं मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी तो महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़े ही आसानी से 250 से 300 करोड़ रुपए दे सकती हैं और उन्हें सीजन एक बेहतर कप्तान की तलाश भी है, क्योंकि अब तो रोहित भी मुंबई छोड़कर किसी और टीम में जा सकते हैं। इसलिए नीता अंबानी चाहेंगी कि धोनी जरूर उनकी टीम में आए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी नीता अंबानी का ऑफर स्वीकार करेंगे या फिर ठुकरा सकते हैं। अब देखना यही होगा कि आईपीएल 2025 में धोनी किस टीम की तरफ से खेलेंगे। लेकिन धोनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए नीता अंबानी किसी भी हद तक जा सकती हैं और उन्हें बड़े ही आराम से 300 करोड़ रुपए तक की मोटी रकम दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस में महेंद्र सिंह धोनी को जाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक कप्तान और बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हो गया। ऑक्शन से पहले विराट कोहली ने कर दिया अचानक बड़ा ऐलान। 17 साल की नाकामी के बाद इन दो कारणों के चलते छोड़ देंगे विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। में बेंगलोर के मालिक मेगा ऑक्शन से पहले दौड़ी इन 7 टीमों में खुशी की लहर। अब नीता अंबानी से लेकर प्रीति जिंटा, काव्य मारन में होगी विराट को खरीदने की सबसे बड़ी जंग। विराट कोहली बन सकते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो आखिर विराट कोहली किस टीम से खेलते हुए आएंगे नजर, क्या है पूरी खबर, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों दरअसल 2025 के शुरू होने से पहले ही एक खिलाड़ी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और वो खिलाड़ी हैं भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली, क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं लेकिन आईपीएल इतिहास में अभी तक उन्होंने अपनी टीम बेंगलुरु के लिए एक भी खिताब नहीं जीत पाए। लेकिन दोस्तों जब से विराट ने बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ी है तब से टीम का और बुरा हाल हुआ पड़ा है। टीम में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, टीम के मुताबिक खिलाड़ी भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हर साल टीम का कप्तान बदल रहा है जिसकी वजह से आज तक आईपीएल इतिहास में बेंगलुरु ने एक भी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं की है। और ऐसे में विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हर साल टीम के लिए रन बनाए हैं लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली पर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द संन्यास लें। और भी दो कारणों की वजह से विराट कोहली यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छोड़ने के लिए तैयार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो दोस्तों विराट कोहली और उनके कप्तान के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो तो सबने आईपीएल 2024 में ही देख लिया था जिस वजह से टीम की हालत बेहद खराब हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन दूसरा कारण ये है कि उन्होंने मन बना लिया है इस सीजन अपना नाम ऑक्शन में लाने का और किसी नई टीम के साथ खेलने के अनुभव करने का। विराट कोहली के लिए फेयर प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो ऑक्शन में चले जाते हैं तो इजिली 200 से 300 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। पर दोस्तों ऑक्शन में जाने के लिए यहां पर उनको पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम छोड़नी पड़ेगी, तो इन दो कारणों से वो बेंगलोर टीम छोड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो बेंगलोर टीम छोड़ते हैं उनके पीछे 7-8 टीमें भागने को तैयार हैं। अब ऐसे में विराट कोहली अपनी टीम के लिए हर सीजन में सबसे अधिक रन बनाते हैं लेकिन उसके बाद भी टीम जब फाइनल तक का सफर नहीं तय कर पाती है और सपना टूट जाता है, इसलिए विराट ने इस सीजन पूरा मन बना लिया है अपना नाम ऑक्शन में ले जाने के लिए जिसका जाना लगभग कन्फर्म हो चुका है। तो यहां पर विराट कोहली के लिए सभी टीमें पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठी हैं। कई टीमों का कैप्टन चाहिए, कई टीमों को खतरनाक बल्लेबाज चाहिए और यहां पर दोस्तों इन टीमों में केकेआर की टीम हो गई, राजस्थान की टीम हो गई, इसके अलावा दिल्ली कैपिटल हो गई और फिर दोस्तों गुजरात टाइटंस हो गई किसी एक अच्छे खिलाड़ी को। उसके अलावा यहां पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स टीम भी नजर आती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो और भी कई टीमें इनके पीछे जाने को तैयार हैं। वहीं पंजाब टीम के मालकिन प्रीति जिंटा तो विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़े ही आसानी से 250 से 300 करोड़ रुपए दे सकती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विराट कोहली किस टीम में जाएंगे। अगर कोहली आईपीएल ऑक्शन में उतरते हैं तो उनके ऊपर बड़ी ही आसानी से और टीमें 200 से 300 करोड़ रुपए की बोली लगा सकती है क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत मौजूद है। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि इस टीम में विराट कोहली को जाना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के लिए विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में बनेंगे सबसे महंगी खिलाड़ी। 25 करोड़ की रकम लेकर इस टीम की तरफ से खेलेंगे रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारतीय टीम के विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई की टीम का साथ छोड़कर नीलामी में आने वाले हैं जहां पर उन्हें सबसे करोड़पति खिलाड़ी बनेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा को लेने के लिए अब 4 टीमें आगे आ चुकी हैं। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला और रोहित शर्मा आखिरकार कितने करोड़ में किस टीम की तरफ से आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2025 को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जहां पर सभी आईपीएल टीम अपने खिलाड़ियों को रिटर्न करने की तैयारी में लग चुकी हैं। इस दौरान आईपीएल 2025 को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा अपनी मुंबई इंडियंस की टीम का साथ छोड़कर नीलामी में आने वाले हैं जिसके चलते उनके ऊपर सभी के निगाहें रहने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस की टीम के साथ संबंध पिछले साल खराब हो चुके थे क्योंकि जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को गुजरात की टीम से ट्रेड करते हुए अब मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया और उनको कप्तान बना दिया था, जिसके बाद 5 बार टीम को चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा को कप्तान से हटा दिया गया के बाद माना जा रहा था कि रोहित शर्मा आईपीएल में अपनी टीम को छोड़ेंगे लेकिन अब रोहित शर्मा इस साल मुंबई की टीम से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर अब कंफर्म हो चुका है कि रोहित शर्मा मुंबई की टीम का साथ छोड़कर नीलामी में आने वाले हैं जहां पर उनको खरीदने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 4 टीम तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि सभी को पता है कि रोहित शर्मा के पास में किस तरीके के T20 अंदाज में बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद है और किस तरीके से वो अपनी कप्तानी के जरिए सभी को प्रभावित कर चुके हैं। अब अगर ऐसे में रोहित शर्मा आईपीएल की नीलामी में जाएंगे तो शायद आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे और वो मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में पीछे छोड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे करोड़पति खिलाड़ी भी बनेंगे। आपको बता दें मिशेल स्टार्क को कोलकाता ने पिछले साल भारी भरकम रकम देकर खरीदा था। ऐसे में अब रोहित शर्मा को टीम में शामिल करने के लिए ज्यादातर टीम में तैयारियां हैं लेकिन कुछ टीम पूरी तरीके से रोहित शर्मा को मनमांगी रकम देगी।
जिसके सबसे पहला नाम पंजाब की टीम का आता है, क्योंकि शिखर धवन के संन्यास के बाद अब रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज के साथ में ब्रांड इंडियन खिलाड़ी और कप्तान के रूम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए प्रीति जिंटा मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार रहने वाली है। इसके अलावा चेन्नई की टीम भी रोहित शर्मा को खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद टीम को एक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान की जरूरत है, जिसकी कमी रोहित शर्मा पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे उम्मीदवार के रूप में बेंगलुरु की टीम का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बेंगलुरु की टीम अब एक भारतीय कप्तान को देखने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ बेंगलुरु की टीम कोई बेहतरीन कप्तान और भारतीय ब्रांड भी विराट कोहली के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा अंतिम टीम के रूप में अब गुजरात की टीम रोहित शर्मा को खरीदने के लिए तैयार है, जो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन कप्तान की खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा किस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।